नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। देश और दुनिया में इन दिनों जो माहौल है, जो सामाजिक दायरे बन रहे हैं, उन पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं भीम आर्मी के संभाग अध्यक्ष दानिश खान जी। दानिश खान एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही भोपाल के विभिन्न समुदायों के बीच में वो विभिन्न मसलों पर काम करते रहते हैं। आइए जानते हैं उनकी यात्रा और समाज में चल रही इन दिनों की हलचलों के बारे में उनकी राय। दानिश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ की थी और आपका बचपन कैसा था? सर, बेसिकली मैं भोपाल में ही पैदा हुआ और भोपाल में ही शिक्षा प्राप्त की। फिर कुछ समय के लिए पढ़ने के ही वजह से छत्तीसगढ़ में भी रह के आया, तो बस फिर वापस कार्य क्षेत्र भी भोपाल ही है। तो ये कार्य क्षेत्र में आपने जिस तरह का कोई काम नहीं किया और सामाजिक राजनीति में आप उतरे, तो उसकी क्या वजह है? सर, आज देश जिस दिशा में जा रहा है, आज कहीं ना कहीं मैंने ये ऑब्जर्व किया कि देश को पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो कुछ क्रिमिनल किस्म के लोग या कम पढ़े लिखे लोग जो राजनीति में आ गए, इसका खामियाजा देश कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर भुगत रहा है। अभी हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं, अर्थव्यवस्था सारी चीजें डूबती जा रही हैं, तो उसके लिए मुझे लगा कि मैं जो भी छोटा मोटा योगदान दे सकूं अपने देश के लिए, तो बस यही उद्देश्य था। तो राजनीति को अभी आप जो कह भी रहे हैं कि जो बदलाव शुरू हुए हैं और राजनीति में ऐसे लोग आ गए हैं जो कि इसको एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? खासतौर पे जो आज की मौजूदा राजनीति चल रही है, उसमें जाति का एक बड़ा हाथ है, उसमें ताकत है, अपराध है, तो इसके बदलने की आपकी प्रक्रिया क्या है और कैसे बदलनी? सर, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमारा देश शायद कहीं ना कहीं जो है वो लोकतंत्र का मतलब भूल चुका है। लोकतंत्र का मतलब ही ये था कि जनता जो थी वो शासक थी और जो मंत्री थे या जो नेता थे वो हमारे सेवक हुआ करते थे, मगर कहीं ना कहीं आज हमारे देश की जनता ने उनको अपने सर पर बिठा लिया है। उनके हाथ मतलब उनके किसी भी डिसीजन पे कोई एक्टिविटी नहीं नजर आती, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि आज हम देख रहे हैं कि देश में किस तरीके की हालत बनते चले जा रहे हैं। तो आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? बदलाव की जो आप बात कर रहे हैं, उसका आपका एजेंडा क्या है? सर, मैं यही चाहता हूं कि देश जिस तरीके से हम एक किसी संस्थान में काम करते हैं तो हमें प्यून भी जो है वो देश की संसद में बलात्कारियों आतंकवाद के आरोप जिन पे लगे हुए हैं वो लोग जाके बैठ रहे हैं। तो जब हम हमारे ऑफिस में हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आए, तो फिर देश का ये हाल क्यों हो रहा है? उसमें भी पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन दानिश भाई, पढ़े लिखे की जब बात करते हैं तो पढ़े लिखे लोग भी संसद में खूब हैं, जो आईआईटी ग्रेजुएट से लेके विभिन्न तरह की एमबीए डिग्री लिए हुए लोग और विभिन्न तरह के लोग रहे हैं। उन लोगों में आप जो बात कर रहे हैं संसद में बलात्कारी या अपराधी या आतंकवादी जिन पर आरोप है आतंकवाद के, उन्हें जनता ने भी पहुंचाया है? बिल्कुल पहुंचाया। क्या ये जनता की खामी है उन लोगों को संसद में पहुंचाने की? सर, बिल्कुल जनता की खामी है। जब हम एक देश में रह रहे हैं तो हमें हमारे प्रतिनिधियों का चुनाव देश के जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे करना चाहिए, ना कि जाति धर्म के आधार पर करना चाहिए। और आज हो यही रहा है कि जाति धर्म के आधार पर हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं और वो जाके संसद में हमारा कितना रिप्रेजेंट कर पाते हैं या कितनी हमारी समस्याओं के लिए लड़ पाते हैं, ये हम सब देख ही रहे हैं। इसको बदलने की क्या प्रक्रिया आप अपना रहे हैं? सर, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पढ़े लिखे एक समझदार किस्म के लोग जो कि देश की चिंता करते हों, देश के हित में अच्छा सोचते हों, हम उन्हें आगे लाएं और वो उनके हाथ में देश की बागडोर हो, जिससे कि देश में सही तरीके से हमारा देश जो है वो चल सके। एक व्यक्ति जब राजनीति के अपने प्रतिनिधि को चुनता है तो वोट डालने के लिए वो तमाम और दूसरी चीजें भी चाहता है, उसकी अपनी समझ होती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर आप समझते हैं कि वो जब कोई जनप्रतिनिधि को चुनता है तो व्यक्ति किन किन चीजों पर ध्यान रखता है? सर, सबसे पहले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि होना चाहिए की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो चुने जा रहे हैं उनमें आप क्या मानते हैं, किन लोगों को चुन रहे हैं? सर, अभी तो जो लोग चुन रहे हैं वो जाति धर्म के आधार पर ही चुन रहे हैं। तो ये जाति और धर्म तो आज भी रहा है और कल भी रहेगा? नहीं, रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जीवन
एक अलग चीज है। धर्म का जहां तक मैं देख पाता हूँ, धर्म बस जीवन यापन करने के लिए ठीक है, मगर जब हम एक लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं और जब हम देश के नजरिए से देखते हैं तो पहले हमें विकास देखना चाहिए, ना कि ये सारी चीजें। चलिए राजेश भाई, आप पिछले दिनों जो भोपाल में एक बड़ा आंदोलन हुआ सत्याग्रह आंदोलन, उससे भी जुड़े रहे हैं, उसके बाद आपने बस्ती बस्ती में जाकर जनसंपर्क के जरिए काम किया, फिर कोविड के दौरान भी आपने यूनिवर्सिटियों में काम किया। भोपाल और इसके आसपास की मुख्य समस्या आपको क्या लगती है, लोगों के बीच में काम करने के लिए, लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए कौन से काम किए जाने चाहिए? सर ढेर सारी समस्याएं हैं, एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब तक जैसे मोदी जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मगर उसके लिए वो कर गया। अभी जो नई शिक्षा नीति आई उसका हाल हमने देखा कि जो जिस तरीके से वो शिक्षा नीति आई है उसमें जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे तो पढ़ पाएंगे मगर गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा। उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, कितने शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो 8,400 करोड़ रुपए का प्लेन लेते हैं, जिस देश में आज भी कोविड जैसी महामारी चल रही है और प्रॉपर वेंटिलेशन या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और भी कई सारे मुद्दे हैं, किसान अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, जो कि हमारे अन्नदाता हैं, आज उनको उनके फसलों के दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो सैकड़ों की तादाद में किसान जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर है, क्या ये मुद्दा नहीं? तो बेसिक मुद्दे हमारी जो रोटी कपड़ा और मकान, इनसे जुड़े होना चाहिए, ना कि जाति धर्म से। एक आपने अभी बात कही कि शिक्षा एक बड़ा मसला है और लोगों में गरीबी है, पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है कि सरकार के खिलाफ बोलने वाली किसी भी आवाज को ताकत के जरिए सरकार अपनी मशीनरी के जरिए दबाने की कोशिश करती है, और इसमें जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं मुस्लिम वर्ग का भी, उसको बहुत ज्यादा डिप्रेस किया जा रहा है, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? सर डिप्रेस सिर्फ मुस्लिम वर्ग को ही नहीं किया जा रहा, साथ में अभी हम देख रहे हैं कि दलितों को भी बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, सिर्फ एक पीड़ित वर्ग मुस्लिम ही नहीं है, वो दलित भी है मुस्लिम भी है। अभी हम देख रहे हैं यूपी में किस तरीके की घटनाएं हो रही है, एमपी में हो रही है, तो सवाल ये उठ जाता है कि हम हमारे देश को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। जब तक हमारे देश की जनता में ये समझ नहीं आएगी कि हमें हमारे देश को किस दिशा में लेके जाना है, इस तरीके के अपराध बढ़ते रहेंगे, होते रहेंगे और इसमें पिटते रहेंगे। तो आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, जिस संगठन से जुड़े हैं भीम आर्मी, वो दलितों के बीच में काम करता है, क्या दलित और मुस्लिम एकता को लेके कोई लॉन्ग टर्म प्लान है आपका? सर बेसिकली हम लोग जनता को यही पहली चीज तो सर हमारा संगठन जो है वो डिवीजन में, जैसे आपने कहा कि सिर्फ दलितों में काम करता है, ऐसा नहीं है, हमारा संगठन जो है वो मानवता के लिए काम करता है और उसमें दलित भी है, मुस्लिम भी है, ओबीसी भी है, सभी के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी एकता के लिए जो विभिन्न संगठन है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आपने पहले भी कहा कि जातियों के बीच राजनीति बटी हुई है, बिल्कुल, और वर्गों के बीच बटी हुई है, धर्मों के बीच बटी हुई है, तो ये तीनों आपने जो जिक्र किया, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों की राजनीति को अलग अलग लोग बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल, इनको एक सूत्र में बांधने की आपकी क्या प्रक्रिया है? सर हम ये चाह रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि देश को जो हमारा संविधान है उसकी प्रॉपर जानकारी दे पाए, उनके अधिकारों से उनको अवगत करा सके, जिससे कि ये जाति धर्म लोगों के से निकले और देश की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ हम उनका ध्यान आकर्षित कर पाए। पर यही एक प्रयास, यही एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि सबको जोड़ पाए, सबके मुद्दों के लिए खड़े हों, क्योंकि आज अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं किसी दलित समुदाय के लिए खड़ा होता हूँ तो कहीं ना कहीं एक उनको भी लगेगा कि नहीं, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को प्रेजेंट किया गया वो गलत है। मुस्लिम समुदाय के साथ भी ये बड़ी प्रॉब्लम रही कि मुस्लिम समुदाय को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया, जिसके लिए जिसकी कारण ये सबसे बड़ा फायदा मिला सांप्रदायिक ताकतों को, और आज सांप्रदायिक ताकतों ने जो है वो मुस्लिम समुदाय को एक कटघरे में ले जाकर खड़ा कर दिया, और आज पूरी दुनिया जो है उनको हीन नजर से देखती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो सांप्रदायिक राजनीति इन दिनों चल रही है उसमें आप बदलाव की क्या उम्मीद देख रहे हैं, और इसमें धीरे धीरे जो नैरेटिव बदलने की बात की जा रही है तभी बदल सकते हैं जब हमारे देशवासी ये जाति धर्म को भूलकर अपने बेसिक जो अधिकार हैं उनको समझें, और जब तक संविधान को वो सर्वोपरि रखकर अपने देश को नहीं देखेंगे उनको हमारे देश की स्थिति इसी तरीके से बिगड़ती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे दानिश जी जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। आपके पास भी अगर देश और समाज के हालात पर कोई बात है तो वो हमें जरूर बताएं, किसी आंदोलन से आप जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में हमें बताएं, हमारा मेल आईडी और फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत बहुत शुक्रिया।